तो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिनेमा विथ अनीस अजय में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंदिरा कुमार की सभी फिल्मों के बारे में। दोस्तों, नंबर एक पर आता है बेटा। अनिल कपूर माधुरी दीक्षित के साथ यह फिल्म 1992 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है राजा। संजय कपूर माधुरी दीक्षित के साथ यह फिल्म 1995 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है इश्क। अजय देवगन, आमिर खान, काजोल के साथ यह फिल्म 1997 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है मन। आमिर खान, मनीषा कोइराला के साथ यह फिल्म 1999 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है आशिक। बॉबी देओल, करिश्मा कपूर के साथ यह फिल्म 2001 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक बिलो एवरेज फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है रिश्ते। अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी के साथ यह फिल्म 2002 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है मस्ती। विवेक ओबेरॉय, अजय देवगन के साथ यह फिल्म 2004 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक हिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है प्यारे मोहन। फरीद खान और ईशा देवल के साथ यह फिल्म 2006 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है धमाल। अरशद वारसी, संजय दत्त के साथ यह फिल्म 2007 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक सेमी हिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है डबल धमाल। संजय दत्त, कंगना रनौत के साथ यह फिल्म 2011 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है ग्रैंड मस्ती। आफ्ताब, विवेक ओबेरॉय के साथ यह फिल्म 2013 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है सुपर नानी। रेखा और सरमन जोशी के साथ यह फिल्म 2014 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है ग्रैंड ग्रैंड मस्ती। उर्वशी रौतेला, विवेक ओबेरॉय के साथ यह फिल्म 2016 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है टोटल धमाल। अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ यह फिल्म 2019 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक हिट फिल्म साबित रही।